अगर विकास के साथ जीना है तो पर्यावरण को बचा नहीं सकते, और अगर पर्यावरण को बचाने जाओ तो विकास बेचारा उदास हो जाता है। ये संवाद फिल्म शेरनी की पूरी कहानी एक लाइन में बयां कर देता है। हाथी मेरे साथी, उसके एक गाने की लाइन है, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। संसार की इस चुप्पी पर निर्देशक अमित मसूरकर का दिल रोया है फिल्म शेरनी बनाकर। जन जंगल और जिंदगी के बीच झूलती अमित की ये नई फिल्म उस फिल्मकार के विकसित होती शैली की एक और बानगी है, जिसकी पिछली फिल्म न्यूटन भी इन तीन मुद्दों की भूल भुलैया का रास्ता तलाश रही थी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जंगल और इंसान के रिश्ते को दोहराता दिखता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग जंगल में बसे लोगों को कैसे रोजी रोटी में मदद कर रहा है, कैसे जंगल में बसे लोगों को जंगल का दोस्त बनाकर जंगलों और इंसानों दोनों को बचाया जा सकता है, और ये भी कैसे जंगल विभाग के अफसर अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए अपने ही पेशे से गद्दारी करते रहते हैं। पर्यावरण और जंगली जीवों पर आमतौर पर बेहद कम फिल्में बनती हैं, लेकिन जब भी ऐसी फिल्में बनती हैं तो निर्देशक की मंशा बिल्कुल साफ होती है कि वो फिल्म कमाई के लिए नहीं, संदेश के लिए बना रहे हैं। ये फिल्म जानवरों और पर्यावरण से प्यार का एक बहुत बड़ा संदेश देता है।